जूस पीना आज एक फैशन बन गया है और एक स्टेटस भी। सो हेल्दी रहने के लिए जूस पीना ज़्यादा हेल्दी है या फिर फ्रूट खाना ज़्यादा हेल्दी है, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। व्हाट्सएप एवरीवन, दिस इज दीपक सिंह गोहिल, वेलकम टू बीइंग द फिटेस्ट। फ्रूट जूस पीना आजकल ट्रेंड में है और काफ़ी लोगों ने इसकी वजह से ब्लेंडर, जूसर्स के मशीन्स अपने घर पर खरीद लिए होते हैं। लेकिन क्या जूस पीना सही में हेल्दी है या फिर फ्रूट खाना ज़्यादा बेटर है, इसकी बात हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि फ्रूट्स आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब आपको भरपूर मात्रा में देगा। इसलिए फ्रूट्स, सब्जियां, इन सबको आपको अपने डाइट में लेना ही लेना है। इससे बढ़िया खाना आपके लिए और कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जूस पीना हेल्दी है या नहीं, तो इसका जवाब है जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। नुकसान है जूस पीने से? नुकसान जी हाँ, मैं आपको 5 कारण बताने वाला हूँ जो जानने के बाद आपको पता चलेगा कि फ्रूट्स खाना जूस पीने से कई गुना ज्यादा हेल्दी है। नुकसान नंबर 1 ये है कि जूस निकालते वक्त जो आप फ्रूट का छिलका फेंक देते हो, उसका जो पल्प निकलता है उसे फेंक देते हो। उसमें बहुत सारे डायटरी फाइबर्स होते हैं जो कि खाने को हजम करने में, फ्रूट को हजम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही साथ हमारी इंटेस्टाइन को, हमारी आंतों को अंदर से क्लीन करने में बहुत ही उपयोगी होता है। इसके साथ में जो आपने पल्प फेंक दिया है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स चले जाते हैं, जो हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान है। नुकसान नंबर 2 ये है कि जूस निकालने के बाद जो आपने पल्प फेंक दिया है उसकी वजह से इस जूस में अब सिर्फ शुगर बची है और इसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज जल्दी बढ़ेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा और अगर आपका डाइट बैलेंस डाइट नहीं है तो आपका वजन बढ़ने की पूरी संभावना है जूस पीने की वजह से। इसके विपरीत जब आप पूरा फ्रूट खाते हो तब उस फ्रूट में रहे हुए डाइटरी फाइबर्स की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे ब्लड में शुगर रिलीज होती है जिसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और इसलिए फ्रूट जो है वो हमारे वेट मैनेजमेंट में हमें हेल्प करता है। नुकसान नंबर 3, आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि हम तो जो फ्रूट का जूस निकालते हैं उसमें उसका पल्प जो है वो फेंक नहीं देते हैं, उसका पल्प भी जूस के साथ में पी जाते हैं, ये तो हेल्दी है ना? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि जो फ्रूट का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो जूस बनाते वक्त उसकी जो शार्प ब्लेड्स होती है या फिर जो क्रशर है वो जो क्रश करता है उसमें उसका पूरा स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाता है, वो स्ट्रक्चर तोड़ फोड़ के रख देता है। इसके विपरीत जब आप फ्रूट को अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हो, यानी कि जो जॉइंग एक्शन है उसकी वजह से जो उसके डाइटरी फाइबर्स का ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है वो खराब नहीं होता है और इसलिए जो फ्रूट का जूस बनाया है, चाहे आपने ब्लेंडर में बनाया हो, क्रशर में बनाया हो, उससे हमारे दांत से जो एक्शन होती है, जो फ्रूट क्रश होता है वो लाख गुना ज़्यादा हेल्दी है। याद कीजिए, जब भी हमें किसी वनस्पति का, किसी औषधि का रस निकालना हो, किसी चिकित्सा के लिए, किसी घाव को हील करने के लिए, तो हम हमेशा उसे पत्थर से पीस के उसमें से रस निकालते हैं। मिक्सर, ग्राइंडर या क्रशर का उपयोग नहीं करते हैं। आप याद कीजिए कि हम क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो मिक्सर है, क्रशर है, यह सब जो वनस्पति है, जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर पूरी तरह से तोड़ देते हैं और उसके कई सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसी प्रोसेस में लॉस हो जाते हैं। इसलिए जब तक आपके पास दांत है तब तक पूरा जो फ्रूट है वो खाना पसंद कीजिए। नुकसान नंबर 4 ये है कि जूस पीने के बाद आपको आधे या 1 घंटे में ही भूख लग जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारा काम हमारी आंतों को करना चाहिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करना चाहिए, वो काम हमारे जूसर नहीं कर दिया, हमारे ब्लेंडर नहीं कर दिया, तो हमारे बॉडी को कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जो डाइटरी फाइबर्स थे वो भी हमने फेंक दिया। इसलिए जूस पीने के बाद आपको 1 घंटे के बाद तुरंत ही भूख लग जाएगी। इसकी जगह पर अगर आपने फ्रूट खाया है तो लंबे टाइम तक यानी कि 2-3 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। नुकसान नंबर 5, जूस पीने की वजह से कई बार आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हो और आपको इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि 4-5 संतरे का जूस पीना है तो आप आराम से पी जाओगे, लेकिन इससे विपरीत अगर मैंने आपको कहा कि आपको 4 से 5 संतरे खाने हैं, जूस नहीं निकालना है, संतरे खाने हैं, तो आप 4 से 5 संतरे नहीं खा पाओगे। 2-3 संतरे में ही आपका पेट पूरी तरह से भर जाएगा। इसलिए हमेशा जूस के बदले पूरा जो फ्रूट है वो खाना पसंद कीजिए। जो फ्रूट आप खाते हो उसे चबा चबा कर खाओ ताकि हमारे मुंह में जो लार है, हमारी सलाइवा है, वो फ्रूट के साथ मिक्स हो और हमारा बॉडी उस फ्रूट में से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब कर पाए। जब तक कब तक फ्रूट खाना है? जब तक हमारे पास कुदरत के दिए हुए दांत है तब तक हमें फ्रूट खाना है, क्योंकि जब दांत नहीं रहेंगे तब तो जूस पीना ही पीना है। अब ऐसा भी नहीं है कि जूस पीना ही नहीं है। मैं आपको 5 टिप्स देता हूँ, इसे आप अच्छी तरह फॉलो करोगे और आप जूस पियोगे तो आप उस जूस में से मैक्सिमम फायदा ले पाओगे। टिप नंबर 1 यह है कि जब आप बाहर कैफे में हो, रेस्टोरेंट में हो और आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीना जब कोई ऑफर करता है तो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर आप जूस पीना पसंद कीजिए, क्योंकि जूस है वो कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर कई गुना ज्यादा हेल्दी है। लेकिन पैकेट वाला जूस नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना है और उसमें बहुत सारी शुगर है। जूस पीना है लेकिन फ्रूट का फ्रेश बनाया हुआ हमें जूस पीना। टिप नंबर 2, गर्मियों में जब बाहर गए हो तब सोडा की जगह पर जूस पीना पसंद कीजिए। टिप नंबर 3, जब आप बीमार हो और आपको कुछ भी खाने का मूड नहीं है, कुछ भी खाने का आपको अच्छा नहीं लगता है, तब जूस पीना पसंद कीजिए। टिप नंबर 4, जब आपका पेट बिगड़ गया हो या फिर स्टमक सेंसिटिव हो गया हो और खाना पचना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया हो, उस वक्त आप फ्रेश जूस पीना पसंद कीजिए। या फिर किसी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पर जूस पीना कहा है, कोई डिसीज की वजह से या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से, तो उस वक्त आप जूस पीना पसंद कीजिए। टिप नंबर 5, जब भी आपको हैवी खाने का मूड ना हो, आपको लिक्विड पीने का मन कर रहा हो लंच या डिनर में, तो उस वक्त सिर्फ फ्रेश जूस पीना पसंद कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर 1-2 दिन में आप जूस पीते ही जा रहे हो। रेगुलर बेसिस पर आपको पूरा फ्रूट जो है वो खाना पसंद करना है। ठीक है, अब हेल्थ के लिए जूस ना सही फ्रूट खाएंगे। ठीक है, चलो अब हेल्थ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज से गुड बाय। फ्रूट जो है उसमें बहुत सारे फाइबर्स है, डाइटरी फाइबर्स है, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े हैं, जिसकी कोई जगह ले ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने डाइट में फ्रूट्स को शामिल कीजिए। आज से फ्रूट खाना शुरू। है उसमें हमें फ्रूट ही खाना है। चलिए बाय बाय। इसके अलावा और कोई टाइम आपको याद आता है कि जब फ्रूट खाना अच्छा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आपका ओपिनियन। आशा रखता हूँ आज के वीडियो से आपको फ्रूट और जूस को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया होगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो जो थंब आइकन है उसे दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे हमें सपोर्ट मिलेगा यह वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। यह वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से, मम्मी, पापा, डैडी, जिससे भी हो सकता है यह वीडियो शेयर कीजिए। हम हर शनिवार शाम को 7 बजे नया वीडियो पब्लिश करते हैं। मैं आशा रखता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आपको हेल्दी और फिट बनाने की कोई कसर ना छोड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन Being the Fittest।